वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं। अगर आप लोग को भी यहां पर फैम पे एप्लीकेशन में पेमेंट करते समय पेमेंट प्रोसेसिंग विथ बैंक प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो आप लोग इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग को लाइव प्रूफ स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप सभी को दोस्तों ध्यान से देखना है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें दोस्तों ये प्रॉब्लम आता क्यों है, कभी कभी दोस्तों होता यह है कि आपका यहाँ पर नेटवर्क स्लो रहता है और यहाँ पर आप लोग ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करते हैं तो आपको यहाँ पर पेमेंट प्रोसेसिंग प्रॉब्लम देखने को मिल जा रहा है। तो यहाँ पर इस स्थिति से आप लोग कैसे बचेंगे, तो आप लोग यहाँ पर पहले यहाँ पर एक या दो रुपया यहाँ पर ट्रांजेक्शन करके देख लें, उसके बाद ही यहाँ पर दोस्तों आप लोग किसी को भी पैसे भेजें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोग यहाँ पर किसी को 1000 रुपया भेजें तो आप लोग 1 रुपया ही भेजें उनको, इससे दोस्तों आप लोग को मालूम चल जाए कि आपका यहाँ पर पेमेंट प्रोसेसिंग प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा। अगर दोस्तों फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो आप लोग यहाँ पर सेकेंड बार ट्रांजेक्शन अच्छे से कर सकते हैं। या दोस्तों अगर आप लोगों को कभी कभी ये भी होता है कि जो UPI एप्लीकेशन होता है उसका सर्वर दोस्तों डाउन रहता है, इस कारण से भी दोस्तों इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है पेमेंट प्रोसेसिंग का। और यहाँ पर दोस्तों साफ साफ लिखा भी हुआ है कि यहाँ पर इफ़ द ट्रांजेक्शन फेल्स द अमाउंट डेबिट विल बी रिफंड यहाँ पर इंस्टेंटली। तो यहाँ पर आप लोग का अगर अकाउंट में डेबिट भी हो जाता है, यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर अगर आपके अकाउंट से पैसे कट भी जाते हैं तो आपको इंस्टेंट आपके अकाउंट में पैसे रिफंड भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का प्रॉब्लम का सलूशन ये है कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर पहले अपना नेटवर्क चेक कर लें, या दोस्तों कभी कभी होता है कि यहाँ पर UPI एप्लीकेशन का सर्वर भी डाउन रहता है, तो इस स्थिति से बचने के लिए आप लोग यहाँ पर अपने UPI एप्लीकेशन को यहाँ पर एनी टाइम अपडेट करके रखें, तभी दोस्तों आप लोग का यहाँ पर यह प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा